वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक और फॉर्मूला हमने समझा था, और इसमें हमने समझा था सिग्मा यू वी मीन्स अगर आप एक्स डेटा में से कोई भी एक नंबर, अगर आप वो डेटा है बड़ा साइज है उसको छोटा करने के लिए कोई भी नंबर आप उसमें से माइनस कर देंगे, इसको ए कहा गया। तो जो डेविएशन क्रिएट होगा उसको यू कहते हैं, और वाई डाटा में से भी कुछ भी आप अपना सबट्रैक्ट कर सकते हैं, तो जो उससे डेविएशन क्रिएट होगा वो आपका वी होगा। और एक फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एन इंटू सिग्मा यू इंटू वी, मतलब कि यू और वी का प्रोडक्ट का सम, माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन सिग्मा वी स्क्वायर इंटू सिग्मा वी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो आपके पास में है, तो इस फॉर्मूले को ही हम आगे आज की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है आपके सामने, आए हुए क्वेश्चन से बच्चे बीकॉम, और जैसे देख रहे हैं आप अपने एग्जाम्स में, तो ये पेपर में आए हुए सवाल है, ऐसा नहीं है रिलेवेंट क्वेश्चन, 2018 बीकॉम ऑनर्स में आया हुआ सवाल है। हाँ जी, देखिए तो क्वेश्चन आपके पास में है, क्या कहता है, बस आप इसको कैच कीजिए। द टोटल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, डेविएशन का प्रोडक्ट है एक्स एंड वाई, तो एक्स का डेविएशन क्या होता है, एक्स का डेविएशन मतलब होता है कि एक्स एक डेटा है 20 और इसमें से मैंने एक माइनस कर दिया, एक्स में से मैंने कोई एक नंबर ए है वो माइनस कर दिया, मान लो 10, तो क्या बचेगा आपका 10, तो ये मेरे पास में क्या होगा, इसको मैं यू बोलूंगा, तो इसको मैं बोलूंगा डेविएशन फ्रॉम एक्स, डेविएशन फ्रॉम एक्स, तो इसलिए आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स का डेविएशन क्या है यू, वाई का डेविएशन क्या है वी, और द टोटल, टोटल मतलब क्या हुआ समीशन, तो ये गिवन आपके पास में 3044। तो हमें पिक करना आना चाहिए इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स एन इक्वल्स टू 10, ये तो आप इजिली पिक कर लेंगे। टोटल ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स का डेविएशन, एक्स का सम नहीं है, समीशन ऑफ एक्स नहीं है, डेविएशन ऑफ एक्स, तो एक्स का डेविएशन यू होता है, समझ रहे हैं आप, तो समीशन यू इक्वल्स टू -170। टोटल ऑफ डेविएशन ऑफ वाई, वाई का डेविएशन वी होता है, तो वाई का डेविएशन कितना है -20। टोटल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, क्या आपके पास में टोटल ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, तो डेविएशन ऑफ एक्स क्या है यू, और टोटल किसका है डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर का दिस वन, तो सिग्मा यू स्क्वायर इक्वल्स टू 8288। टोटल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ वाई, तो टोटल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन वाई, ये क्या हमारे पास में 2264। फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको निकालना है, तो बस ये इंफॉर्मेशन इनफ है आर निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला है हमारे पास में, एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू का होल स्क्वायर इंटू एन सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर दिस वन, आर इक्वल्स टू सिग्मा एन, एन क्या मेरे पास में 10 इंटू सिग्मा यू वी क्या 3044 माइनस सिग्मा यू, सिग्मा यू हमारे पास में है -170 एंड सिग्मा वी, सिग्मा वी क्या मेरे पास में -20 अपॉन अंडर रूट एन 10 सिग्मा यू स्क्वायर, सिग्मा यू स्क्वायर क्या है मेरे पास में 8288 माइनस सिग्मा यू, सिग्मा यू मेरे पास में -170 इसका स्क्वायर इंटू सिग्मा एन सिग्मा वी स्क्वायर 2264 माइनस सिग्मा वी का होल स्क्वायर, सिग्मा वी, सिग्मा वी -20 का होल स्क्वायर दिस वन, एंड आर इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे आप 3040 माइनस और 170 इंटू 37 34
और दो जीरो 3400 माइनस में आएगा, अपॉन में सॉल्व करेंगे आप यहां पर अंडर रूट 82880 माइनस, ये तो स्क्वायर बन जाएगा 289,00 और इनटू 22640 एंड माइनस ये हो जाएगा आपका 400। दिस वन, आगे आप कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को अपने, तो आप उठाएंगे कैलकुलेटर 3044,000 माइनस 3400। हाँ जी, एक सेकेंड, देखिए 3044,000 माइनस 3400, तो आपके पास में आया यहां पर 7027040 अपॉन 8288880 माइनस 28900 अंडर रूट 232.33 इंटू 22640 माइनस 400 रूट 149.13 एंड 27040 डिवाइडेड बाय 232.33 मल्टीप्लाई बाय 149.13 34647.37 27040 डिवाइडेड बाय 34647.37 0.780 दिस वन, ये आपका बच्चे आंसर हो गया। तो जब कैलकुलेटर आपके पास में है, फॉर्मूला बस आपको याद करना है और अप्लाई करना है, पेपर में आया हुआ सवाल है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? चलिए देखते हैं भैया कमेंट में, बिल्कुल सही धीरज मिश्रा। हाँ जी, अब एक सवाल और आपके सामने है, जरा आप इसको ट्राई करें। आप सभी डेटा पे कोई भी इफेक्ट डाल सकते हो, बस आपके लिए कैलकुलेशन कन्वीनियंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। आप ऐसा करें कि आपके पास में ये फॉर्मूला बना क्यों है, इसलिए बना है ताकि आप बड़े डेटा को छोटा कर पाए, मतलब कन्वीनियंट हो पाए आपके लिए चीजें। डन बच्चों, देखिए बच्चे आपके पास में जो फॉर्मूला है ना, बस ये इसलिए है कि ताकि आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो। अब इतना लंबा अब इसको कैसे करेंगे डेविएशन कर करके, तो स्क्वायर करना कितना बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो चलिए इसमें मैं यू निकालता हूं, पेपर में ऐसी सिचुएशन देगा आपको, इतना आसान नहीं देगा कि सीधा फॉर्मूला लगाओगे। ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, आसान ही है, लेकिन बस आपके पास क्वेश्चन हो जाए तो आप चीजों को समझ जाएंगे। यू के लिए एक चीज रख देते हैं, एक वी के लिए रख देते हैं, एक यू स्क्वायर के लिए रख देते हैं, वी के लिए रख देते हैं, वी स्क्वायर के लिए रख देते हैं और एक यू वी के लिए रख देते हैं। हाँ जी, ये देखो, तो आप यहां पर एक काम करें, जो डेटा है जरूरी नहीं कुछ माइनस करना हो, एक्स को अगर आप सबको 10,000 से डिवाइड कर दोगे
तो ये भी आपका अपने आप यू बन जाएगा, और क्या होगा, एक दो तीन चार पांच छः सात, और इसी तरीके से आप, ये वी है, वाई है, अगर आप वाई को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे तो सबके सब क्या बन जाएंगे, ये आपका बन जाएगा वी, क्या हो जाएगा, 3, 5, 6, 8, 1, 11, 13। अब समीशन ऑफ यू तो आपको रिक्वायरमेंट रहती है, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 6 21 और 7 28, और समीशन वी की भी रिक्वायरमेंट रहती है, 3 5 8 6 14, 14 और आपके पास में 8 22 और 21 23, 23 33 34, 34 10 44 47, और आपके पास में इसी तरीके से आप यू वी भी निकाल सकते हैं, 3 10 18 32 6 66, ओहो 6 नहीं 5 5 66 91, क्लियर है, 3 8 11 11 2 आपके 13 13, और 5 18 18, और 6 आपका 24 24 और 1 25, और 2 3 4 7 13 और 9 22, समीशन यू वी, क्लियर है। अब आप यहां पर यू स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, तो 1 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो समीशन यू स्क्वायर, 1 और 4 आपका 5 और 9 आपके 14 14 और 6 20 और ये 25 और 6 31 और 9 40, 4 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14, वी स्क्वायर 0 9 25 36 64 1 121, 169, क्लियर है बच्चे। तो 9 5 14 14 4 20 24 25 26 26 और 4 30 और 5 35 और 3 5 5 और 3 आपका 8 8 और 6 14 14 और 2 16 16 और 6 22, और 2 3 और 4 425, क्लियर है बच्चे। पहले इसको देख लीजिए आप, समीशन ऑफ वी देखते हैं जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा हमने, 3 प्लस 10 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 5 प्लस 66 प्लस 91, 225, ठीक तो आ रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ करा क्या हमने वी में। अच्छा यू वी 225 है, चेक कर लेता हूँ, यहां पर मल्टीप्लाई बाय 10 10 हो जाएगा, और ये आपका 50 हो जाएगा, तो 45 एडिशन करने की नीड है, तो 270 होगा, समझ
समीशन, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, और चेक करते हैं। ये फिर 56 हो जाएगा ना, एक गलती हुआ तो यहां भी गलत होगा। 56 और फिर यहां पर एक था जबकि 99 ऐड हो जाएगा, चार एक 9 3 12 एक 5, 524 होगा। वो बस एक मिस्टेक हो गई थी बच्चे, वो एक लिख दिया था मैंने गलती से, अब सारा सही हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है ना? क्योंकि आपके पास में वी स्क्वायर या एक का स्क्वायर, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और आपके वी स्क्वायर में क्योंकि एक था ना आपके पास में, ये 100 हो गया। और आपके पास में 10 × 5 = 50, वी में चेंज होगा आपके पास में, यूवी में चेंज होगा और एक आपका वी में चेंज होगा, ये तो ठीक है आपका। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर इक्वल्स टू एन सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी, लिखना जरूरी है फॉर्मूला, अंडर रूट एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा U का होल स्क्वायर इंटू एन, सिमिलर वही चीज बस B पकड़ के चलेंगे, R इक्वल्स टू एन, एन क्या हमारे पास में यहां पर 7, 1 2 3 4 5 6 7, और समीशन यू वी, समीशन यू वी 270, यू एन वी 270, समीशन यू 28, समीशन वी 56, अंडर रूट एन यू स्क्वायर का सम, यू स्क्वायर का सम, समीशन यू स्क्वायर 140 माइनस समीशन यू का होल स्क्वायर, समीशन यू 524, समीशन वी का होल स्क्वायर 56 का होल स्क्वायर दिस वन, एंड आर इक्वल्स टू सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर उठाते हैं, 270 × 7 1890 माइनस 28 × 56 1568 अपॉन अंडर रूट 7 × 140 980 28 का स्क्वायर 784 524 × 7 3668 माइनस 56 का स्क्वायर 56 × 56 3336, आर इक्वल्स टू 1890 माइनस 1568 अपॉन नाइन एट्टी माइनस 784 196 इंटू 3668 माइनस 3136 532,
1890 माइनस 1568 322 14 532 का रूट 23.06, बस 23.06 मल्टीप्लाई बाय 14, तो 322 डिवाइडेड बाय 322.84, 322 डिवाइडेड बाय 322.84 बहुत हाई डिग्री ऑफ कोरिलेटेड है। क्लियर है बच्चे, समझ गए? वेरी गुड अंजलि कुमारी। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपका यू और वी का फॉर्मूला यूज कब होता है, जब जब आप अपने डेटा को अपने लिए कन्वीनियंट कर देते हो आप, तब भी आपका जो है इसके रिलेशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, आपके पास में एज ग्रुप इन द ईयर्स है 15 एंड लेस देन 20, 20 एंड लेस देन 25, तो बेसिकली कॉन्टिन्यूस सीरीज टाइप का चल रहा है, और नंबर ऑफ पीपल आपके पास में है और नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके पास में है। अब यहां पर आप बेसिकली किस तरह की कोरिलेशन देखना है आपको, तो एक काम करिए, पहले आप सोच लीजिए कैसे करेंगे, एक दो मिनट का टाइम है, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम प्रोग्राम में 2012 में आया है, तो आप ये मत सोचिए प्रोग्राम का पेपर और ऑनर्स के पेपर में इतना फर्क होता है। अब फिर वही सवाल आपको बीकॉम ऑनर्स 2014 में देखने को मिल गया, यही सवाल एसओएल में। डन, देखिए ये तो भाई, देखो बच्चे क्वेश्चन को सुनने की कोशिश करो। अब ये तो इसको नहीं डाल सकता मैं बीच में आ गया, कोई बात नहीं, एक काम कर सकते हैं उस पे ब्लैक कलर लगा देता हूं। ठीक है, ये देखो बच्चे, देखिएगा यहां पर सबसे पहले क्या आपके पास में, ये आपके पास में एक्स है, तो यहां पे एक मिड वैल्यू निकाल लीजिए आप, डेटा तो चाहिए ना हमें, तो 15 और 20 के बीच में क्या होगा 35, 17.5, ये मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी में सिखाया मैंने, कैसे 15 और 20 को आप ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो 35 डिवाइडेड बाय 2 तो 17.5। अब समय 5-5 का गैप है, देखिए फिर स्टार्ट हो रहा है, फिर 5 अकाउंट, इसे बोलते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज का एक्सक्लूसिव पार्ट। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के मीन के टॉपिक में अगर आप कंटिन्यूस सीरीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो वहां पर मैंने ये बात बताई हुई है आपको, तो आपके पास में 5-5 का गैप चलेगा, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं ऑलरेडी पहले, 27.5 पांच गैप चलेगा तो 32.5, डेटा ले रहे हैं ना 37.5 एंड 42.5 दिस वन, ये तो आपके पास है मिड वैल्यू आ गई। अब आपके पास में बेसिकली डेटा है क्या, रिलेशन किसके बीच में कह रहा है, कह रहा है फाइंड द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज। अब ये एज ये बिल्कुल आपके पास में एज नहीं है, ये आपके पास में एज का इंटरवल है, तो एज अब आपके लिए क्या हो गया दिस मंथ, जिसको आप एक तरीके से कह सकते हो, एक तरीके से आप इसको एक्स ट्रीट कर सकते हो, एक डेटा ये, ठीक है,
बिटवीन द एज एंड द प्लेइंग हैबिट्स ऑफ द पीपल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. प्लेइंग हैबिट्स, तो प्लेइंग हैबिट्स मतलब कि 200 लोगों में से 150 लोग खेलते हैं, तो हैबिट कितने लोगों की है. तो अगर इसको मैं परसेंट, इन दोनों डेटा को रिलेट करके मैं हैबिट्स निकाल सकता हूं परसेंटेज के फॉर्म में, कि 150 अपॉन 200 इंटू 100 तो आपके पास में 75%. तो प्लेइंग हैबिट्स मतलब वाई डेटा ले रहा हूं एक तरीके से मैं, तो वो क्या है मेरे पास में 75. इसी तरीके से मैं यहां पर लूंगा 162. पता लग रहा है ना कैसे प्लेइंग हैबिट ले रहे हैं, कैसे मैं बता देता हूं. 150 लोग खेल रहे हैं आउट ऑफ 200 इंटू 100, तो कितना है आपका 70. इसी तरीके से 162 पर्सन 270 इंटू 100, और इसी तरीके से 170 पर्सन आउट ऑफ 300 इंटू 100, और 180 पर्सन आउट ऑफ 360 इंटू 100, और 180 पर्सन आउट ऑफ 400 इंटू 100, एंड 120 अपॉन 300 और इंटू 100. 40. क्लियर है बच्चे? यहां सॉल्व करेंगे कट गया 250, सॉल्व करेंगे कट गया और 250, 180. चलिए ये कट गया आपके पास में 416, 4×20 45. क्लियर है? अब सॉल्व करते हैं 162 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 100 60. दिस वन, ये कौन सा सीरीज हो गया आपके पास में? ये आपके पास अब कौन सा सीरीज हो गया? ये आपके पास है बच्चे वाई हो गया. ठीक है, अब वाई आपके पास में एक तो एक्स हो गया और एक आपके पास में एक एक्स हो गया और एक आपके पास में वाई हो गया. ठीक है, एक आपके पास में ये एक्स हो गया और ये आपके पास में वाई हो गया. अब और एक्स और वाई के साथ में आप क्या ट्रीट करेंगे, आपको पता है कि आप इसमें यू और वी के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर है ना? तो यहां पर आपके पास में एक तो एक्स चाहिए था एच और एक वाई चाहिए था हैबिट्स, तो इस तरीके से आपने निकाल दिया ताकि पता लग जाए कितने परसेंट लोगों की हैबिट है. अब आपके पास में अब आप यू और वी निकालेंगे, तो यू कैसे निकाल, कैसे भी निकाल लो यू, आप यहीं से सवाल शुरू कर दो, या तो आप यू निकाल लो. कैसे? यू इक्वल्स टू एक्स माइनस में से 32.5 अपॉन 5 कर दो, तो नंबर छोटा हो जाएगा क्योंकि 32.5 कर दोगे ना तो सबके साथ 5-5 के गैप पर आ जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 1-3 हो जाएगा. उसी तरीके से भी आप वहां पर भी आप काम कर सकते हो, माइनस में 50 डिवाइडेड बाय 5, तो चीजें आपके पास वी आ जाएंगे और सेम प्रोसेस आपको अप्लाई करना है. क्लियर है बच्चे? हो जाएगा. अब आपके पास में यू और वी निकाल देंगे ना, एक्स से यू और ऐसी तरीके से वाई से कुछ भी कर लीजिए आप, 50 माइनस कर लीजिए वाई में से 50 माइनस कर करके और डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिए, नंबर आपके बहुत छोटे हो जाएंगे, फिर आप उससे आप कोरिलेशन निकाल लीजिएगा. ठीक है, तो यहां पर तो आपका खत्म हो गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसकी होगी संपूर्ण समाप्ति. अब नेक्स्ट क्लासेस में हम जो है क्वेश्चन को करेंगे एक एरर क्वेश्चन देख लेंगे और उसके बाद फिर हम रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे. रिग्रेशन टॉपिक हमारा अच्छा, कब कोरिलेशन के अंदर भी रैंक का टॉपिक बाकी है हमारा, रैंक का टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं है, 2 दिन का टॉपिक है वो. नेगेटिव का मतलब हो गया इनवर्स रिलेशन होगा.
रिग्रेशन एक छोटा टॉपिक है, तो अगली क्लासेस में हम इसको कवर करेंगे। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अब जो आप अपना आंसर दे रहे हैं, आपका आंसर चेक करके बता देता हूँ सही है या नहीं है। -0.9395 हाँ अंजलि, आपका आंसर सही है। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लासेस में। बच्चे गवर्नमेंट जॉब का बैच लॉन्च कर रखा है 249 में, सभी सरकारी नौकरी के लिए एसएससी और सीजीएल और सीएचएसएल, हम आपको अवेयर करेंगे, बताएंगे कब फॉर्म निकल गए, एग्जाम्स को कैसे अटेम्प्ट करना है, और आपको मैथ्स एंड रीजनिंग का पूरा कोर्स करवाया जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी है। तो जिस भी टीम का नंबर है, आप इंटरेस्टेड है तो आप उसको ले सकते हैं।